पात कनर सी कर समय आते पात कनर सी किसे आते जिकर करण लाग्या के बात का नरसी कृष्ण आगे जिक्र करण लाग्या के होया एर खड़ी चुगर दे जनता कृष्ण बात भरण लाग्या एर खड़ी चुगर दे कृष्ण नरसी कृष्ण आके जिक्र करण लाग्या खड़ी चुगर दे जनता कृष्ण बात बरन लाग्या। आज कोई शादी होती है डस्टर फास्टर फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो डिजायर गाड़ी देते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने उस आनंदी का देखना के तिल का गा दिया, के ड्राई फ्रूट दिया, के फल फ्रूट दिया, नंबर एक पे के दिया कृष्ण भगवान ने। हाँ गोले पच्चीस मणे बदाम गोले पच्चीस मणे बदाम गोले पच्चीस मणे पच्चीस मणे तक छुआरे सच्चे चीर जरी के लेंगे कट गुजराती आरे श्याल तू साले सच्चे वो गिनवारिया न्यारे न्यारे देई उड़ा चुंदड़ी बेबे ते मिनती पे नंद के दुलारे देई उड़ा चुंदड़ी बेबे ते मिनती पे नंद के दुलारे उड़ा चुंदड़ी एरा पानो रबाई मिलके कारज पानो रबाई मिलके कारज ठीक सरण लाग्या बोला कृष्ण भगवान की ओड़े खड़ी चुगर दे जनता कृष्ण बात भरण लाग्या आदरणीय भाई स्वामी धनखड़ साहब योगी कृष्ण बाबा के नाम से कृष्ण भगवान हेर चंद्र दत्त के चक्र दत्त के चक्र करूं मैं झूल गालरी पड़ी मैं अरे दो झूले दो जोटे देरी और खड़ी थी चढ़ मैं दो झूले दो जोटे देरी और खड़ी थी चढ़ मैं दत्त के चक्र करूं तेरी केल लरजता डाला पद्मावत के रूप हुसन पे मोटा कटरा चाला एक तबड़ का एक हुर छबिली जिनका ढंग निराला एक तबड़ का एक हुर छबिली जिनका ढंग निराला शीशे की जू चमकेला के शीशे की जू अरे दो झूले दो
खेरी और खड़ी और दो दूले दो दे और खड़ी ओ चंदन कत के कर करू फूल गालरी बड़बे ओ दूले दो दे और खड़ी की लड़ दो दूले दो दे और खड़ी की। हमारे भाई मेहर सिंह सांस्कृतिक मंच शहीद कवि जाट मेहर सिंह सांस्कृतिक मंच उनके सम्मानित सदस्य हमारे बड़े भाई आपके गुआंढी सौम्य धनखड़ ढाकला 200 रुपए से भाई मान सम्मान करते हैं बड़े भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद। ओ जैसे अब शुरुआत हुई है दान की ऐसे ही कृष्ण भगवान ने बरसात की किस चीज की शुरुआत कैसी बरसात करी नंबर दो पे क्या दर्शाया क्या बता बोला सवन्नी अठन्नी और रुपया सवन्नी अठन्नी और रुपया बरसन लागे भाई गरीब गुरके चुगन लागे बालक और लुगाई मनसा सेठ न्यू कहने लाग गया सुनिया मेरी सच्चाई कोई सेठ आदमी कोटा हो मत खाइयो पैसा पाई सेठ आदमी कोटा हो के बात मनसा की एक एक सुन के बात मनसा की एक एक सेठ डरन लाग्या बोले कृष्ण भगवान की ओड़ खड़ी चुबर ते जनता कृष्ण बात भरन लाग्या पतली कमर मनु नच के लागे पतली कमर में नच के लागे काटी कैसी फड़ में अरे दो झूले दो झूले और खड़ी थी जड़ में
मनसा सेठ कहता रे वही छल जो इसके बाप ने मेरे साथ किया था। कौन सा? जिस समय मैं अपने लड़के की शादी करने के लिए जूनागढ़ में गया, इसके पिता ने मूंगा मल साहूकार ने जितने भी मैं साधन ले गया था वे वही साधन खरीद के वापिस मेरे को दान में दिए थे। मैं अपनी बेइज्जती महसूस की थी मैंने उस समय, और आज वही छल इसके लड़के ने किया कि कोई सेठ आदमी कोटा हो मत खाइयो पैसा पाई। वो नरसी कृष्ण भगवान तो रगा तो बोलिया भगवान है ये सेठ तो सारे एकता करेंगे क्यों? ये मनसा सेठ कहता उनको कि कोई सेठ आदमी कोटा हो मत खाइयो पैसा पाई। जैसे आज यहाँ बात है ये शुरुआत की, जैसे कृष्ण भगवान ने शुरुआत की दोबारा फिर माया बरसाई। अभी तक 31,000 रुपए का चमोला बोलिया आ गए, 51 का भी आओगा, लाख रुपए का भी आओगा। बता जा ताड़ी, बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। फतेहपुरी नगर सुख से बसो, ईश्वर सरपंच साहब, फिलहाल के सरपंच ईश्वर सरपंच साहब गांव ने चुन के बनाया, अपनी नेक कमाई में से मंदिर के नमक खड़े बैठे सरपंच साहब आ जोड़ के कहा सरपंच साहब ये आ जोड़ी मंदिर का नाम है अरबरदे जोड़ी में गाम राम ने एक ना तो सरपंच 1 करोड़ रुपया में सरपंच बने हमारी साइड में सुन के बना रहा क्या 1 रुपया नहीं लागन दिया। नू सोच लियो सरपंच साहब नू सोच लियो कोई बात नहीं भाई इलेक्शन में थोड़ा खर्चा ला दिया था कितने जी ना जी सरपंच साहब है कौन है माना जी 31,000 रुपये बोलने तक 51 तो हम 51 हमने बोलने चाहिए आपके और वो खर्चा लग रहा आपका 5-7 लाख रुपये लग रहे वो अरीब तो बिन चुन के बना रहा क्या गांव ने नू सोच लिया कोई बात नहीं भाई गांव की एक छोरी ब्याह दी थी 21 सरपंच साहब 21 तो आ जोड़ के जी शाबाद एर 21,000 बजा दो ताड़ी ताड़ी बजा दो खींच के 21,000 रुपए तो मंदिर के नाम से इबरा गए हम 500 नू तो हम 10% ले वहां देखो चमोला गेला और अच्छा और 500 रुपये पार्टिया के टोटल मिला के 22,000 रुपये का दान आनंद करियो जी श्री भगवान सिंह के सपुत्र ढिल्लू अपनी नेक कमाई में से मंदिर के नाम कड़े भाई ढिल्लू कितने बोले भाई साहब यो भाई साहब दिल्ली पुलिस के हो दिल्ली पुलिस में हो मारी भी गाड़ी पकड़ी जा 11,000 तो सब ले ले हो रहे अरे एक बात और है दिल्ली पुलिस का चाड़ा हम तो गाड़ी ले ये तो गद्दी वाले ने भी कौन जान दें दे खाली कौन जान दें दे फिर मैं इसका एक लेके बंडा हुआ कौन सा भाई साहब थोड़ा 11 बोल दिया 11 भाई साहब मंदिर का नाम बता दो ताड़ी अपनी नेक कमाई में से मंदिर के नाम 11,000 रुपए तो मंदिर के नाम से और 500 रुपये पार्टी के करया प्रेम से दान
नंबर तीन पे कृष्ण भगवान ने बरसात करी है। दुनिया के अंदर ऐसी बरसात नहीं हुई जैसी कृष्ण भगवान ने हरनंदी के बाद में बरसात करी। क्या करी नंबर तीन पे और पुखरा जलसनिया ओ नीलम और पुखरा जलसनिए बरसन लागी सच्ची मोर हीरे पन्ने मोती बरस असर थिया पे ओ गया जोर बड़े बड़े से छबी चुगण लाग गे मारे थे आपस में बोर हेर दो सोने चांदी के पाथर सबसे ठाका पाटिया जोर दो सोने नरसी होया उमंग में भगत के नरसी होया उमंग में भगत के कष्ट हरण लाग्या बोले कृष्ण भगवान की ओड़ खड़ी चुबर दे जनता कृष्ण पाप भरण लाग्या रतन सिंह के सपुत्र रतन सिंह दानी वीर भगवान अपनी नेक कमाई में से मन रणपत अच्छा अपनी नेक कमाई में से मंदिर के नाम से इक्कीस कट्टे तो सिमट के मंदिर के नाम से और 500 रुपये पार्टी के करया प्रेम से दान लाइफ तो पन से आएगी तो पन से हाँ पन से बोल दिए तो ये चंद्र सिंह के सपुत्र हंसराज दानी वीर सज्जन भगवान अपनी नेक कमाई में से मंदिर के नाम से कड़ा बैठा भाई ताऊ मुंह तो तेरा 51,000 रुपया का से कि यू ए ठीक करेगा बाबा ये ठीक करेगा एक पिलसन के दे दे आप पर ठीक हो जाएगा ना ना यू ए ठीक करेगा दान देने से कमी नहीं आएगी लोगों एक पिलसन के सीढ़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर दान देने ते धन्ना घटे कह गई दास कबीर बोल दिया मारी मर्जी था जी साहब ने तेरा मुंह लाग है एर इक्कीस देख जी साहब तेरा मुंह लाग गया हमने तो ठीक से 16 किल्या का जमींदार राड़े का तो किला ही सा ने एर 11,000 11,000 रुपए तो मंदिर के नाम से और 500 रुपये पार्टियां के करया प्रेम से दान नगर में आनंद करियो जी
मामराज के सपुत्र एक सरपंच साहब रामनिवास एक सरपंच साहब अपनी नेक कमाई में से मंदिर के नाम से ग्यारह हजार रुपए तो मंदिर के नाम से अरगणिया ने मूसिया की गोली हाँ आगे और 500 रुपये पार्टियां के करिया प्रेम से दान कर मैं युवा इसलिए भी अड़ा 100 रुपये अपने नेक कमाई से मंदिर के नाम देते हैं ले जाओ गुप्त दान देखे यो भाई अरे पहलवान है अरे पहलवान ये उड़ा दे क्या पर्ची आ लेना और लियाओ शाबाश क्या सोडा वाटर मत जो अपने सोडा वाटर मत जो अपने जिसके लागर चोट इश्क की वो मानस कहते नजीरे भूख लगे ना व्याज लगे उसके सुन सुन बोल रसीले उड़ते है पंछी रे घायल कर दिए तिरछे नैन कटिले उड़ते पंछी घायल कर दिए हार न रखाए ले जा चील हार न ठाए ले जा मोती चमक लड़ मैं ये फतेहपुरी नगर आबादी रहो सुख से रामचंद्र जी मीर सिंह जी के सपुत्र मंदिर निर्माण रामचंद्र सनोब मीर सिंह लिख लो जी हमारे आदरणीय फौजी साहब मंदिर निर्माण के नाम अपनी नेक कमाई से 11,000 11,000 रुपए तो हमारी मंदिर कमेटी के नाम से मंदिर निर्माण के नाम से और 500 रुपए इस पार्टी के नाम से ये करिया प्रेम से दान कर मैं ये फतेहपुरी नगर आबाद रहो सुनियो बोला सुख से बसो माइदन चौधरी छत्री बड़े भगवान राज कपूर जिनके लाडले इस मंदिर निर्माण में जितना भी मार्बल लगेगा चाहे वो 12,000 फुट लगी हो ताड़ी बजाओ भाई जितना भी मार्बल लगेगा आज आज बताएगा बदो पत्थर यो कितने महंगाई हो जो ताजमहल में लग गया है जो शाहजहां लुआ था मुमताज की याद में वो है सफेद संगमरमर मार्बल आड़ा लगेगा कितना लगेगा बताओ थोड़े एस्टिमेट लगभग 300 फुट ग्रेनाइट नहीं मार्बल मास्टर जी सफेद संगमरमर 300 फुट मार्बल से कितने रुपया का यो वो सारा मार्बल भाई के नाम से एक बार जोरदार ताली बजाओ और 500 रुपए पार्टियां के नाम से भी लिया हुई पे कोई उधार नहीं ये करिया प्रेम से दान कर मैं आनंद करियो जी ओ धर्मी का जाज चलेगा दिया दान रख दिया मान तेरा सब चले गुना पड़ेगा आनंद करियो जी
हमारे आदरणीय राम नरेश ठेकेदार जी मंदिर के हैं। मास्टर जी नोट करियो एक बार, हेलो राम निवास ठेकेदार, राम नरेश ठेकेदार, 500 रुपए नगद मंदिर के नाम पर्ची बना दो, गल ले रहे हो तो राम नरेश ठेकेदार ले जाओ भाई 500 रुपए मंदिर के, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान ने असरफिया की मोर असरफी की सोना चांदी के पत्थरों की प्रसाद करी, ये कहानी उस समय बनी थी कि धोपी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो धोपी धोपन आए सोचा जो घर में माया पड़ी है, जो बरसाई हुई माया है उसको बाद में उठा लेंगे, तो बोली धोपी चल पहले नहर पर बैठावांगे माया, लेकिन कृष्ण भगवान ने जो माया बरसाई उस लाल डोरे के अंदर अंदर, सिरसागढ़ के लाल डोरे के अंदर अंदर वह माया बरसाई, ला के साकड़ नहर पे गए, वहां कुछ नहीं पाया, वापिस घर पे आए, उसने पड़ोसी लेके काट गए और जाके कृष्ण भगवान आके खड़ी होगी, नु बोली रे भाई ओगाई सेठ का मुनीम, मारा नाम का किम्मे ना है, हाथ जोड़ के फिर धोपन के बोली नंबर 4 पे क्या दर्शाया क्या बता। धोपन आए घाट से, धोपी धोपन आए घाट से, धोपी धोपन आए घाट से, हाथ जोड़ करते प्रणाम, मारे ते कुछ हाथ लग्या ना, चुग चुग ले गए लोग तमाम, सवा पैर तक फिर बरसाया, कुछ हो गए गुरु चंद की राम, बस मेरे बेटा, बस मेरे बेटा ई बथाम दे, धोपन बोली थी सरयाम, बस मेरे बेटा ई ओ धोपन बोली सरयाम, गुरु की दया ते धर्म पीर भी, गुरु की दया ते धर्म पीर भी, छंद धरण लाग्या, बोला कृष्ण भगवान की, ओड़ खड़ी चुबर ते जनता कृष्ण पात भरण लाग्या, कमर सी कृष्ण आके जिक्र करण लाग्या, हमारे भी आए होंगे चौथी क्लिम के कह दिया। लक्ष्मी चंद कहे दुख दर्द आगे, लक्ष्मी चंद कहे दुख दर्द आगे, रातो एक बोल बतेरे, अपना मरण जगत की हासी कहेंगे बड़े बड़े, तू मेरे राम बराबर चरण चूम लू तेरे, कह सुन के पद्मावत गे लिया मेरे करा तो फेरे, पद्मावत
चल बगड़ मैं आओ ये फतेहपुरी नगर आबादी रहो फतेहपुरी नगर के रहने वाले हमारे आदरणीय दानी सदन बड़े भगवान श्री ताराचंद जी सपुत जगदीश जिनके सपुत्र हूं जिनके लाडले इस मंदिर निर्माण के नाम 21,000 जोरदार ताली बजाओ अरे बजाया करो 21,000 रुपए तो हमारे मंदिर के नाम से 500 रुपये पार्टी के नाम से करा साढ़े 21,000 रुपए का दान नगर में आनंद करियो जी कह जाट मेर संग रोग कटे जाट मेर संग रोग कटे छम 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 करे बगड़ में दो झूले दो झोटे देरी और खड़ी थी चढ़मा पानी और नाम लेन ते धरती दरसे वरज पुता की रानी कर कामास होस कर दिल में कर कामास होस कर दिल में तू पेगा बिन पानी नाम लेन ते धरती दरसे वरज पुता की रानी नाम लेन ते धरती दरसे वरज पुता की रानी के कर खामोश होस कर दिल में ना डूबेगा बिन पानी नाम लेन दे धरती दर जरस पुत्ता की रानी नो बोली तने बेरा नहीं है किसका जकरा करता है शेर खान मारिया जागा उदाहरण सुने देखो ने भी पूरी नहीं तारी थी के परिणाम होया गौतम के घर पहुंच गए वजारी करण रात मुर्गा बन चंदाल करा घेरा दिया शान है चाण पटी जब सांप दे दिया मुश्किल होई कर और नीच का मुर्गा चांद के शाही नाम लेन ते धरती लरजे रजपूता की रानी रजपूता की रानी रजपूता की रानी बड़ा आंगा लाके भाई ने रंग उठाए पर तालियां बजाएंगे सभी भाई के नाम से कोशिश करते हैं
हमारी बात कहां से है? जिस समय वो कौन के वो पूर्णमल अपनी मौसी के दर्शन करने के लिए जाता है और वो रानी नूणा उस पूर्ण मल के ऊपर मोहित होती है, कहती है पूर्णमल मैं तेरी मौसी नहीं हूं, मेरे साथ चौपड़ सार की बाजी कर। लेकिन मना करता है, कहता मां तू मेरी मां है। कहती मां उसने कही है, किसने किस तरह से क्या कहता क्या बताता है? जिसकी कूख ते जन्म लिया उसने कहिए माता, जिसकी कूख ते जन्म लिया जिसकी कूख ते जन्म लिया उसने कही ये माता। हेरे जुल्मी जो बन काम देव मेरे ना काबू में, जिसकी कूख ते जन्म लिया जिसकी कूख ते जन्म लिया उसने कही ये माता, जुल्मी जो बन काम देव मेरे ना काबू में माता, कूख ते जन्म लिया उसने कहिए माता, जुल्मी जोबन काम देव मेरा नहीं काबू माता, पूर्णमल तू मेरे को दूधकारता है लेकिन तेरी जगह किस स्थान पे होगी? नंबर एक पे क्या कहती है? नरक बीच में दर्जा होगा, नरक बीच में दर्जा होगा, मेरी बात मोड़ीगा, मेरी उम्र से 18 साल की तू मेरी जोड़ी का, पूर्ण मल दुलटगा ले ले इस जिंदगी थोड़ी, कसी कसाई खड़ी ठाण पे चटनिया गोड़ी का, देकर के दिए तब तब जा, देकर के दिए तब तब जा, तू क्यों ना पानी प्याता, जुल्मी जो बन काम दे मेरे ना काबू में आता, इसकी कुछ दे दिन मनिया कहिए माता, जुल्मी जो बन काम देव मेरी ना काबू में आता, जुल्मी जो बन काम देव मेरी ना काबू में आता, ओ छोड़ के न जाओ पिया, सुपुत्र राजा राम वाल्मीकि समाज से हमारे भाई हमारे इस मंदिर निर्माण में 2000 ईंट करीबन 10,000 रुपए की होगी होंगी,
15,000 की, 17,000 की भाई। देखो भाई, जब जागृति होती है ये चीजें साज ली होती हैं। हमारे भाई राजा राम रणधीर जी के सुपुत्र मंदिर निर्माण के नाम 2,000 ईंट लगभग 17,000 रुपया की और 100 रुपए पार्टी के नाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। ये फतेहपुरी नगर आबादी रहो, आज शहीदी दिवस के उपलक्ष में सत्यवान भाई के पिताजी इंद्र सिंह जी शहीद हुए थे, मेजर सत्यवान सिंह जी 11,000 रुपए मंदिर के नाम पहले दे चुके हैं, जोरदार ताली बजाओ, और 11,000 रुपए और अपने पिताजी की याद में शहीदी दिवस के उपलक्ष में देते हैं। करिया 22,000 रुपए का दान नगर में आनंद करियो जी, हमारे आदरणीय फतेहपुरी गांव के बड़े दानी सज्जन गिरधारी सिंह जी के तीनों सुपुत्र इस मंदिर निर्माण के नाम से 11,000 रुपए मंदिर के निर्माण में देते हैं। कड़े से अच्छा चलो ठीक है जी, 100-100 रुपए हमारी पार्टियों के नाम से ये करिया प्रेम से दान नगर में आनंद करियो जी। हमारे आदरणीय रणबीर धनखड़ साहब कासणी गांव से आपके गुआंडी हरियाणा क्लब यूट्यूब चैनल 100-100 रुपए पार्टियों के नाम से देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब का, धन्यवाद। फतेहपुरी गांव के रहने वाले हमारे आदरणीय सुरेंद्र सुपुत्र श्री महाराम, सुरेंद्र सुपुत्र श्री महाराम शहीदी दिवस के उपलक्ष में 11,000 रुपए मंदिर निर्माण में देते हैं। पार्टियां के मुशे गोली कड़े हैं जी, कड़े हैं कित हैं भाई, कमेटी में ले लेंगे 500 रुपए, 500 रुपए दोनों पार्टियों के नाम से ये करिया प्रेम से दान नगर में आनंद करियो जी। का राजा बना दिया जत की इंद्र की नारी, इश्क नशे में रंदा हो करी ऋषियां पे सवारी, धर्म भ्रष्ट श्राप दे दिया लात ऋषि के मई, ओ सुर्ग तगिर क्या यज कर बन गया, सकल पछाणी नाम लेण धरती नरजे रजपूता कीरा, डूबेगा बिन पानी नाम लेण धरती नरजे रजपूता कीरा, रजपूता कीराणी। ये फतेहपुरी नगर आबादी रहो, सुख से बसो, फतेहपुरी नगर के रहने वाले आदरणीय जगदीश मिस्त्री जी विश्वकर्मा भगवान की संतान 21,000 रुपये तो पहले लिखवाए थे, जोरदार ताली बजाओ, सुनन का चमोला है। हाँ उरे है मिस्त्री जी, कड़े है
अरे महन गए दीपक बतला गया चमोला उरा आ जाओ जी भाई। आज का सबसे बड़ा चमोला फतेहपुरी नगर के रहने वाले हमारे आदरणीय जगदीश मिस्त्री जी मंदिर निर्माण के नाम से इक्यावन हजार जोरदार ताली बजाओ। 51,000 रुपए तो मिस्त्री जी इस मंदिर निर्माण में देते हैं। और हमारे मिस्त्री जी बताओ तोड़े है ना जी न्यू नहीं देखो जी मंदिर के बताए दिए हमने के 500 रुपए पहले दिए थे 21,000 के साथ 51,000 हो गए चमोले के और 500 रुपए और बच गए 500 रुपए पार्टी के 51,000 रुपए मंदिर के निर्माण में देते हैं। करिया 52,000 रुपए का दान नगर में आनंद करियो जी और हम भी न्यू कह जाएंगे भाई। देखो एक और है कमेटी की रिक्वेस्ट हमारे बुजुर्ग हैं जगदीश मिस्त्री जी और आज का सबसे बड़ा चमोला मिस्त्री जी के नाम से है इनके सम्मान में हो गया कैमरे चरपंच लग रहे हैं इनको पगड़ी से सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई अरे इन पगड़िया ना देख देखो और आज 51 वाले फिर खोट भी में नहीं जिसका जी करता हो भाई का जिसने 1,00,000 दिए सबका सम्मान है सबके बराबर है लेकिन हमारे बुजुर्ग है हमारा फर्ज बनता है इनको सम्मान देना। 51,000 रुपए मंदिर में 1,000 रुपए पार्टियों को देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा से अरदास है गोरखनाथ महाराज से प्रार्थना है इनके धन धान्य में बरकत रहे स्वास्थ्य बना रहे बहुत बहुत हेलो। सुनो भाई कदे कोई भाई बुरा मान जाओ ये हमारे बुजुर्ग हैं आदरणीय मिस्त्री जी अगर पगड़ी इसका बांध दी ऐसी कोई बात नहीं है हमारे बुजुर्ग हैं इसका मान सम्मान करना हमारा एक कर्तव्य बनता है। अरे एक बात और डॉक्टर साहब है भाई साहब है एक बात और है बात मेरा काम ध्यान कर लिया एक बार मीठे उस्ताद मेरा काम ध्यान करो एक बार मेरा बेटा है कौन भरया एक छोटी बात है बलवान एक सरपंच साहब के 31,000 रुपए है 31,00,000 दे दिए इसने तो लेकिन वह थोड़ी नूनगार थोड़ी बिंदी और ला दे थोड़ी सी और 51,000 भी हो जाए तो कोई मजा आ जाओगा देखो हमने तो बोलते आने भी मजा होगा है बनाई और फिर वह दोबारा बनाओ क्या बात ये फतेहपुरी नगर ओ सुख से बसो आबाद रहो हरि राम के सपुत्र बोलो हरि राम के सपुत्र बलवान एक सरपंच साहब बलवान एक सरपंच साहब अपनी ने कमाई में से मंदिर के नाम से क्या देते हैं 31,000 रुपए तो पहले और 20,000 रुपए और टोटल मिला के 51,000 बजा जा ताड़ी पृथ्वी कहने लगी ब्रह्मा से तुम लाज बचा लो मैं मेरी और उग्रसेन का कंस या धर्मी जिन ऋषियों पे विपदा गिरी ओ पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से लाज बचा लो ने मेरी उग्र सहन का
लाज बचा लो ने मेरी उग्र सेन का कंस धर्मी जी ने ऋषियों पे विपता घेरी। हे परमपिता ब्रह्मा एक भी चीज अपने ठिकाने पर नहीं छोड़ी, हे पृथ्वी किसने नहीं छोड़ी, हे महाराज दो जने इसे हैं जिसने उदम स्थान रखा है। हेलो तपदान रहे न्यू होगी बलहीन प्रभु संध्या तर्पण अग्नि होतर कर दिए के रातीन प्रभु वेद शास्त्र उपनिषदो में करता नुकता चीन प्रभु उन राम नाम छुटवा दिया सबका ओ कुकर्म में लोलीन प्रभु जरासंध शिशुपाल अधर्मी ओ रखते हैं हे राधे ये जितने भाई प्रसाद के लिए बैठे हुए हैं हर एक भाई प्रसाद लेकर जाएगा। ये थोड़े मौसम की वजह से अव्यवस्था फैल गई थी, जितने भाई हैं प्रसाद लेकर जाएं और हमारे लिए भी स्टेज पर चाय पहुंचा दो। ये रंग काट का दौर आपके बीच में बड़ा आंगा लाके भाई ने आपके बीच में गाना सुनाया। हमारी बात कहां से रहेगी, कैसे नो जिस समय कौन के विक्रम और उस पिंगला में लड़ाई हो जाती है और वो विक्रम अपने भाई भर्तृहरि के पास जाता है और भर्तृहरि को सारी बातें बताता है कि शेरा के खाड़े में आज मैंने करता स्याल खिलाड़ी देखा रजपूता की औरत के लिए मैंने पाजी करता यारी देखा कुक्रम देख के आया सुवाज में मेरे तो जलके लगे थे ताज में गऊ के ऊपर तेरे राज में करता गदा सवारी देखा बस महीने की झूल गाल रहे गोटा और किनारी देखा। सजनो भर्तृहरि को सारी बातें बताता है। भर्तृहरि कहता विक्रमा मैं भी महलों में जाता हूं और पिंगला को पूछता हूं कि विक्रमा के साथ लड़ाई क्यों करी। कहता भर्तृहरि ऐसे नहीं मेरा बेटा नहीं भरेगा तेरे साथ चलूंगा। क्या कहता एक बात के द्वारा क्या बता बोला एर किसन देख्या सुरग भरतरी यो आप मरे बना एर क्यों कर आजा सबर आदमी के बेटा परे बना भर्तृहरि सोच जो ये तेरी इज्जत है कैसी है और वो पिंगला क्या करती है किस तरह से नंबर एक पे क्या कहता क्या बता बोला
दसने के को न्यारे जिनके गलत हिसाब तेरी महाराणी के नाम के आवे दिन और रात खवा तेरी बहु ना मानती तेरी मामूली सी दाब पिंगला की के ताबलड़े तेरे सर पे तेरे पेना घनिष्ठ मित्र है सुखवीर भाई इनका मैं आपको पूछूंगा बलवान सरपंच साहब हमारे भाई
बड़े आदरणीय है, 100-100 रुपए से दोनों पार्टियों का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सरपंच साहब ने भी बहुत आना मसौदी ली है कि मैं तो आज तड़के घर आए तो लेट है, फिर मौसम खराब था, सारे काम फिर काशनी तो भी लकड़ गए, पहले भी फतेहपुरी आए थे फिर काशनी तो भी आगान लकड़ गए, रलदम रलिया करे कुछ तो वार पहले थी और वार होगी, मतलब सारे काम ठीक ठाक चल रहे हैं। माफी चाहेंगे नोबलिया भाई, आज तो घनी वक्त आ गया मीत मगा भाई, ईब तो मारो चाहे छोड़ो तारा हाथ में फैसला। अब पहला प्रोग्राम था जब 10:30 बजे नेट, दोनों पार्टियां 10:30 बजे नेट प्रोग्राम शुरू हो गया था, शायद पहला भी यहाँ आदमी हो वो, आज थोड़ा सा दिक्कत है, उसके लिए माफी चाहेंगे पूरी कमेटी से भी, भाई सुखवीर से भी, वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, साथ जिंदे भी आने जाने में थोड़ी सी तंगी थी, इस करके थोड़े से लेट हो गए। 100-100 रुपये से भाई मान सम्मान करते हैं, सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, और अच्छी बारिश हुई है, लाए तो थे आड़े भी बारिश, फिर राम ने तोड़ा कर दिया काम, अब बुआरस होगा काम करिया गोरी ना, तो हम तो सोच रहे थे ये जो बाग छोड़ रखे इन में बुआई दे मेरे से, हम कि मैंने कि मैं आगे ही कार्रवाई हो जा, फिर छोड़ा रखा काम, चलो महाराज आए पासे बरस जाएगा, तारा पक्का बरसेगा आज, हाँ आज पक्के बरसावाएं भाई, फोन करके बताए धीरे नहीं बरसे, हो गया उस्ताद हो ही गया। तीसरी गली में और आने भी दे दो भाई, जितने भाई बैठे हैं उन्हें भी सबने चाय दे दो, ले लो भाई चाय। तीसरी गली में नुबली और केक के बंद हो गया, के कह दिया प्रभु संत बाजगे हिमालय में, ओ संत बाजगे हिमालय में, ओ मथुरा में डूबा ढेरी कर्तव्य का लगी ब्रह्मांड में, बता दो ने मेरी ऊपर सहन का तन से धरनी, ओ ऋषियों पे वे बता गेरी कर्तव्य का, ओ कर्तव्य का लगी बना
ये बहुत ही आदरणीय है एक्स सरपंच साहब महेंद्र सिंह जी, 100 रुपए से दोनों पार्टियों का मान सम्मान हौसला बजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद अमित है, पिछली साल तुम्हारी ख्याल में घने सरपंच नहीं थे, इब काल दो सरपंच दिखे हैं। अब यार सही ना जाए मेरी दो टपिया की दो तरी में मेरा लाखों का सावन जाए आए आए ये मजबूरी ये वो समय और ये दूरी मुझे हलचल है चल पाए मेरी दो टपिया की दो तरी में मेरा लाखों का सावन जाए आए आए ये मजबूरी। वही सरपंच तो थे गणे, फिर मेरे श्याम बलवान ने गिर दिया काम। भाई देखो जीतते तो एक के मानस, जिसका काम राम साथ हो सारे भाई सम्मानित हैं। उम्मीदवार तो काफी होते हैं, उम्मीदवारों का अलग काम होता है, और वहीं भी आ रहे हैं फिर थोड़ी आन मान लागेंगे, थोड़ी सी आन लागेगी। जैसे जैसे आप यहाँ के लिए रख निगावांगे इतने सारे सरपंच आ लेंगे, देखो क्या आने शुरू। अभी हमारे जो मौजूदा सरपंच साहब हैं ईश्वर सरपंच साहब 200-200 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई माना तो ईशा काम हो है, मारा ना का तो सारा ही काम सरपंच हो है, सारा ही काम जिला परिषद। दो प्यार की बात मारे के लिए धक्को कर लो है सरपंच हमारा ना का तो। एक बार सारे भाइयों खातर जोरदार ताली बजाओ भाई, बजाओ अपने भाईचारे खातर। आखिरी कली में जब जब भी पृथ्वी पे भीड़ पड़ी है, जब जब भी भगत लोगों पे भीड़ पड़ी है, परमपिता परमात्मा आपने अलग अलग रूप धारे हैं। ये बीज रूप से न्यू कर दे आगे के कह दे शाम तेरा प्रभु व्रज में रास दिखा दिया, व्रज में रास दिखा दिया, ये गोपी जन्म घरा ले बलवान डागर साहब। डागर साहब एक बात बताओ मने, जो ये मंदिर है गुरु गोरखनाथ जी का, गांव मानता है इसको, कितना का मानना नू बताओ, आप बताओ मानो इसने मानो, फिर नू सुखे मानने तक में ना होता। जिस टाइम नुका रहे हैं कि लठाई में गुग्गा दुका है, यो लठ देने भी जाना है, शर्माने की बात है ये। पिछली साल भी बार के दानी आए, बार के दान कर गए, और आज भी बार के आए और बार के दान कर गए, और गांव का कोई दानी है ना देखे हमने, हम तो जाकर मारे काम तो मोगा गया, अच्छा गांव था यार, बार बार के दानी आओ गांव का कोई देता है कोने। ये अच्छी सभ्य बातें नहीं है, हमने तो कोई कौन दिखा भाई फतेहपुरी गाँव का भी 51,000 रुपये मंदिर में दे है। ईसा गांव में कोई बड़ी बात नहीं है मंदिर बनाने में,
दस दस मंदिर बनाता है, एक एक गांव हमारी तरफ है, और बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाता है, हर तार पे यो एक साल में यो एक उन पूरा हो रहा है। कुछ सोचो समझो, लखाओ इसका ने भी गांव की शोभा होती है। गुआंड से भी नु देखने आएंगे भाई, गांव में मंदिर बना रखे है। दे दे आड़े दे दे, तुरंत दान मां कल्याण। गांव की शोभा होती है, बैठ जी, गांव की शोभा होती है। गुआंड से भी देखने आए, गुआंडी भी आवे हैं कि भाई फलाना गांव में, फतेहपुरी गांव में इतना अच्छा मंदिर तैयार कर रखा गुरु गोरखनाथ जी का। अरे यहाँ पिछले साल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। गांव ने सोचनी पड़ेगी, ये कोई बार का नहीं आएगा सोचने, आप लोगों ने करना है। बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। नंबर चार पे क्या दर्शाया, क्या होता बोला गाम की कोन्या, गुड़ का प्यारा से इज्जत, गुड़ का प्यारा से की कोन्या, गोड़ी पीर काम की कोन्या, गोड़ी पीर काम की कोन्या, यद धर्म गिरे बिना